हेलो हेलो। सो फिलहाल अभी दोस्तों जो चींटी होती है, जो अपने यहाँ चींटियाँ होती है, उसको हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं इधर? कन्नड़ा नचीरा। नचीरा नचीरा कन्नड़ा में उसको नचीरा बोलते हैं। मतलब बड़ा कटिंग। हाँ ये बड़ा है। हाँ One year after cutting to straight to sugar factory में। हाँ one year। देखो दोस्तों नारियल देखो पड़े हुए हैं। ये देखो चिट्टी है। ये देखो आप, ये एक्चुअली चूहे ने ऊपर से रेड। हाँ चूहा 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 चूहे को क्या बोलते इधर? चूहा इली चूहे को बोलते इली। तो फिलहाल ये एक्चुअली ये गन्ने ये इसे केवल नीचे बिछा रहे इसको क्या भाई? गन्ना ऐसा मालूम नहीं। ये रखा केवल ऐसे ही क्या भाई? ये हाँ कब्बू बस ऐसे ही। हाँ 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 अपने आप उग जाएगा फिर ये भैया। ये देखो ये गन्ना रखा हुआ है। एक थोड़ा कटिंग ओके वन ईयर आफ्टर। हाँ वन ईयर आफ्टर बड़ा है। हाँ जस्ट थोड़ा ओके तो ऐसे ही रखिएगा इसको बस पूरा है। अब इसको इसे ऊपर मिट्टी क्या भाई? मिट्टी नहीं ऐसे ही अपने आप। हाँ दोस्तों ये जो आपको रखे हुए दिख रहे ना, ये इसको ऐसे रखते हैं गन्ने को और फिर उसके बाद अपने आप उग जाएंगे। उधर उधर और ये एक्चुअली इधर गन्ने का ये खेत है इनका। कब्बू कन्नड़ में कब्बू तो कन्नड़ में कब्बू बोलते हैं। कब्बू भाई वीडियो करो। हाँ देखो ये इस तरह से पूरा गन्ने बो रखे हैं ये, मतलब ये अभी बुआई के लिए इन्होंने रखे हुए हैं। कटिंग कर भाई। वो उधर कटिंग कर रहे हैं, उधर भी चलते हैं हम लोग। तो ये भाई बता रहे कि एक जो जमीन है, ये वाली जो जमीन है बहुत अच्छी जमीन है और इसमें गन्ना और ये बहुत अच्छा होता है। नॉट मेडिसिन यूज। नो मेडिसिन। नो मेडिसिन। हाँ जास्ती नो, थोड़ा नो थोड़ा। थोड़ा थोड़ा जमीन अच्छा है। हाँ फील्ड पूरा फील्ड अच्छा पूरा फील्ड। हाँ ये स्टोन कम स्टोन लेस स्टोन। हाँ तो इधर में ये जो जमीन दिख रही है इसमें आपको पत्थर कम मिलेंगे तो अच्छा है। स्टोन फील्ड तो शुगर कैन नीड फॉर स्टोन बट स्ट्रांग मड। स्ट्रांग मड मतलब यहाँ पर वो पत्थर तो है लेकिन मड भी है, मतलब स्ट्रांग मड है। स्ट्रांग व्हाट हैपेंड टू दिस ट्री? दिस ट्री में एज कर एज होगा। एज कितना साल ये चलता है? मे बी 20 इयर्स। 20 इयर्स वन ट्री। तो दोस्तों ये एक जो नारियल होता है 20 साल के करीबन इसकी एज होती है। फुल स्ट्रांग ट्री 100 इयर्स ट्री। मतलब अगर कोई अच्छा अगर नारियल का पेड़ हो तो 100 साल तक भी वो चलता है। इट गिव्स अ फ्रूट फॉर 100 ईयर। दोस्तों एक एक जो कुछ अच्छे पेड़ रहते हैं वो 100 साल तक कहीं ना कहीं नारियल देते हैं। अब आप इमेजिन कर लो 100 साल तक एक पेड़ आपको नारियल दे रहा है। तो इसलिए बोलते हैं सेव द ट्री सेव द अर्थ। और इन ईयर 7 ईयर बर्थ एक छोटा ट्री नारियल आएगा। 7 ईयर आफ्टर 7 ईयर मीन फर्स्ट 7 ईयर दैट विल बी ग्रो 7 ईयर। तो 7 साल वो नारियल को उगने में लगेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें फल आना चालू होगा। राइट ट्री टेल 7 ईयर फॉर मी लाइफ टाइम फॉर यू। भाई का बोलना है कि 7 साल नारियल का पेड़ बोलता है 7 साल आप मुझे दीजिए पूरी लाइफ टाइम में आपको कमा के दूँ। एंड आई थिंक दैट और ये नारियल जो है ये एमपी में जाते हैं एक्चुअली। रजिस्ट्रेशन एमपी। हाँ 07 विदिशा विदिशा 07। हाँ एमपी 07। तो ये गाड़ी एमपी में जाएगी एक्चुअली। योर विलेज कोकोनट दिस योर विलेज कोकोनट पर डे। दोस्तों यहाँ से ये जो 13,000 की जो 2500 जो नारियल जा रहे हैं 13,000 नारियल ऐसी 18 गाड़ियाँ यहाँ से लोड होती है। अब आप जरा अनुमान लगा लो 18 गाड़ियाँ मतलब समझ लो 13,000 18 से मल्टीप्लाई कर दो यानी ऑलमोस्ट 1,30,000
और 260,000 नारियल यहाँ से हर दिन जाते हैं, हर दिन, मतलब समझ लो, मतलब कितने बड़े लेवल पे यहाँ खेती होती है नारियल की। हालांकि पेड़ दिख ही रहे हमको। हाँ दोस्तों, वीरप्पन मिल गए अपने को, उधर से अच्छा आएगा गाड़ी को ओनर वीरप्पन उधर उधर से उधर से ओनर दोस्तों, उधर देखो वीरप्पन बैठा हुआ उधर। हाँ लुक्स लाइक वीरप्पन, वीरप्पन का ब्रदर होना। हाँ ब्रदर, वीरप्पन का ब्रदर सूट आ रहा है। हाँ वीरप्पन, वाह यार। हेलो 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 हेलो, आज मैं इंदौर का भैया ग्वालियर के भैया मिल गए हमको, हेलो कर दो यार। हिंदी थोड़ा इधर थोड़ा कम कम आता लोगों को ना, थोड़ा कट कट थोड़ा। ये कावेरी रिवर, रिवर इधर कावेरी नदी, नदी 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 बेजन नदी नहर बोलते हैं, तालाब नदी, तालाब नदी दिखती और नहीं मतलब ओके। हां राइस वेस्टेज ना। हां हिंदी अलग, हिंदी अलग है, मराठी दैट इज ग्रेट। वो जो अंकल थे उनसे हमारी बात हुई, उनको 6 भाषाएं आती है। मैं 14 साल के बच्चा छोका देखिए हेलो थैंक यू चला गया, तो मैं वो हेलो थैंक यू गए ना वो इसमें सब नहीं, पर 6 भाषाएं आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो टीचिंग पढ़ना एक अपनी जगह है, लेकिन भाषा को सीखना ये थोड़ा टफ पड़ता है। क्योंकि अगर किसी से हम पूछते हैं कि कितनी भाषा आती है, 1, 2 ज्यादा ज्यादा 3, और 1-2 वो कौन सी वाली कॉमन, जैसे हिंदी एक कॉमन हो गई है, दूसरी चीज एक लोकल लैंग्वेज जो होती है, और तीसरी इंग्लिश। इन 3 लैंग्वेज के बाद चौथी लैंग्वेज में थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। तो उनको 6 लैंग्वेज आती है और ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो फिलहाल इधर सलून में आए थे एक्चुअली हम लोग। संतोष हमको बड़ा संतोष, छोटा संतोष जो गांव में बैठे रहते उसी तरह से बैठे हुए हैं, आराम से बैठे बातें कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा है। हिंदी 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 हिंदी। तो दोस्तों अपने उधर जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, वो इधर जो कन्नड़ा में सोल्ले, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मच्छर है, तो जास्ती सोल्ले। नए नए वर्ड है भैया, धीरे धीरे आ रहे हैं दिमाग में। थोड़े दिन हम लोग महाराष्ट्र में रहते, थोड़ी चीजें महाराष्ट्र की सीखी थी, थोड़ा आप कर्नाटक में। अब आगे का और प्लान क्या है वो मैं आपको वीडियो देखते रहो, अपने आप रिवील होता रहेगा आपको आगे का, फिर हम कहाँ जाने वाले हैं।